हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 16.2 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच एग्जांपल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो देखो, एग्जांपल में हमें सिलेंडर के बेस की रेडियस दी गई है, हाइट दी गई है, हमें कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये है सिलेंडर की बेस की रेडियस, यह है सिलेंडर की हाइट। अभी देखो, हमें एक पहले क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सभी पहले दी गई वैल्यूज हम राइट करेंगे। क्या क्या वैल्यूज दी गई है, रेडियस, रेडियस आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। उसके बाद इट्स हाइट, इट्स हाइट एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। अभी देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच, ये फॉर्मूला है, ओके। अभी हमें यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो, 2 × π वैल्यू कितनी है, 22/7, आर वैल्यू 7 है वो पुट कर दी, और एच वैल्यू 10 है वो पुट कर दी। अभी देखो, 2, 22, 7 और 10 ये नंबर है न्यूमरेटर में और 7 है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर का 7 डिनोमिनेटर का 7 के साथ कट हो जाएगा, ओके। अभी रिमेनिंग नंबर जो है उनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, 22 × 2 = 44, नहीं तो 2 × 2 = 4, ऐसा किया तो भी चलेगा। उसके बाद हमें 10 से उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो, इन दोनों में एक जीरो है वो राइट कर लिया, 44 × 1 = 44, तो क्या आंसर आ गया, 440 square centimeter, ओके। ये दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में थी, उनकी मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पे, तो उसका यूनिट फाइनली क्या आएगा, स्क्वेयर सेंटीमीटर। और इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऐसा भी राइट कर सकते हैं। आया समझ में? अभी हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 πr r + h, ओके। अभी देखो, यहाँ पे हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 × π वैल्यू 22/7, r वैल्यू 7, और ब्रैकेट में जो वैल्यूज है r प्लस h, r वैल्यू 7 है, h कितनी है 10, ओके। यहाँ पे भी देखो, ये 7 कट हो जाएगा, और 22 × 2 = 44 आ जाएगा। 44 × इन दोनों की हम एडिशन करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में राइट करेंगे, ओके। 10 + 7 = 17 आ गया, ओके। 17 × 4 = 68 यहाँ पे कैरी 6 आ गया, 17 × 4 = 68 + 6 = 74 हो गए। तो यहाँ पे 748 square centimeter यह आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो देखो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया 748 square centimeter। और देखो, हमें दो आंसर निकालने को बोला था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 440 square centimeter एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 748 square centimeter। यहाँ पे सेकेंड नंबर r इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे भी हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें दी गई जो वैल्यूज है वो राइट करेंगे। क्या क्या दिया है, रेडियस r से डिनोट की जाती है, r इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट h से डिनोट की जाती है, h इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। अभी हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला राइट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ओके, अभी इसमें हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई है 22/7, आर वैल्यू दी गई है 1.4 और एच वैल्यू है 2.1। ओके, अभी देखो यहाँ पे 1.4 है, इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे ये सभी नंबर न्यूमरेटर में है, 7 सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो ये 1.4 7 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 7 2 14 आता है ना, तो 7 ये 1.4 टू 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 1 7 7 2 14 आता है। ओके, अभी इसमें हमें डेसिमल पॉइंट देना है, तो कहाँ देना होता है, इन दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल पॉइंट देते हैं तो राइट साइड में एक डिजिट आ गया, आगे कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे हम 0 लेंगे, तो 0.2 ये आ गया डिविजन के बाद आंसर। ओके, अभी यहाँ पे 22 2 44 आता है, 44 मल्टीप्लाई बाय ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2.1। ओके, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो 2 4 8, 2 4 8 आ गया, उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, और इन दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट देते हैं, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.1 कर लेना है। अभी हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, देखो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, 8.8 मल्टीप्लाई बाय 2.1, पहले हम 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में डेसिमल पॉइंट देंगे। 1 8 ज़ार 8, 1 8 ज़ार 8, यहाँ पे हम प्लस साइन, 2 8 ज़ार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 2 8 ज़ार 16 प्लस 1 17, इनकी एडिशन करनी है, 8 6 प्लस 8 14, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1, 7 प्लस 8 8 यहाँ पे आ गया, और ये 1 1848 ये आंसर आ गया, और इसमें हमें डेसिमल पॉइंट भी देना है। तो देखो जिन दो नंबर की हमने मल्टीप्लिकेशन की उनमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट आने चाहिए, तो देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देते हैं, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट आ जाएंगे, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 18.48 स्क्वेयर सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर वैल्यू दी गई है 1.4, यहाँ पे 1.4 प्लस 2.1। ओके, पहले सबसे पहले हम इनकी एडिशन कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय, देखो 4 प्लस 1 5 हो गए, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये 1.4 इसके मल्टीपल ही है, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, इन दोनों के डिवीजन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे रही हूँ, तो एक डिजिट आ जाएगा, और आगे कोई नंबर नहीं तो मैं यहाँ पे 0 ले रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 22, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 44 राइट कर लेती हूँ, 22 2 ज़ार 44। ओके, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। ओके, इन दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3.5 करना है, तो इनकी आप मल्टीप्लीकेशन अभी हमें करके देखनी होगी, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 8.8 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अभी देखो 5 8 ज़ार 40, 40 का 0 यहाँ पे कैरी 4 आ गया, 5 8 ज़ार 40, 40 प्लस 4 44, तो यहाँ पे 44 आ गया, 3 8 ज़ार 24, 24 का 4 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 3 8 ज़ार 24, 24 प्लस 2 26, तो यहाँ पे 26 आ गया, इनकी करने हमें एडिशन, 0 4 प्लस 4 8 हो गए, 6 प्लस 4 10 हो गए, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 2 प्लस 1 3 हो गए, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी 2 डिजिट है इसीलिए, तो यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट दे रही हूँ, तो आंसर क्या आ गया, 30.80 स्क्वेयर सेंटीमीटर।
तो देखो, कर्व, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी थर्ड नंबर एग्जांपल में रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे भी हमारे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये निकालना है। तो पहले हम जो वैल्यूज दी गई है वो राइट कर लेंगे। रेडियस आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, हाइट एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ओके, अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पहले है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, 22/7, आर 2.5, एच 7। ओके, अभी देखो, ये न्यूमरेटर के नंबर 7, डिनोमिनेटर का है, न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर का 7, डिनोमिनेटर का 7 के साथ कट हो गया। अभी 22 2 जार 44 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देती हूँ। तो देखो, 25 4 जार 100, 100 का 0 यहाँ पे कैरी 10 आ गया। 25 4 जार 100, 100 एंड 10, 110 हो गए। ओके, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में एक डिजिट है। तो यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट देती हूँ तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आ जाएगा। तो एक्चुअल आंसर कितना आया है हमारा, 110 आया है। ओके, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख लेती हूँ, 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, अभी हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच। इजी है ना दोनों भी फॉर्मूले। ओके, अभी देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और ब्रैकेट में 2.5 प्लस 7। ओके, तो पहले हम इनकी एडिशन कर लेते हैं। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। उसके साथ साथ यही स्टेप में हम इनकी एडिशन भी कर लेंगे। 22 2 जार 44 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये 2.5 जो है उसमें हमें 7 ऐड करना है। तो ये जो 7 जो है ना, हमें 2 में ऐड करना है, 5 में नहीं, क्योंकि ये 7 कैसे रहता है, 7 इज इक्वल टू 7.0। ओके, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 की एडिशन कैसे हो जाएगी, 7 प्लस 2 9, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे। तो क्या किस में ऐड होना चाहिए, 7 2 में ऐड होना, 7 2 में ऐड हो गया तो 9 आ जाएगा डेसिमल पॉइंट और 5 यहाँ पे। ओके, तो 9.5 आंसर आ गया। अंडरस्टैंड, ये रफ वर्क है, बॉक्स कर रही हूँ। ओके, अभी देखो, हमें पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इसका जो आंसर आएगा उसके साथ फिर से 9.5 की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, और इनके साथ डिवीजन में 7 है। ओके, तो देखो, 7 9.5 का भी मल्टीपल नहीं है, 7 2.5 का मल्टीपल नहीं है, 7 44 का भी मल्टीपल नहीं है। इसीलिए पहले हम इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, अभी देखो, 44 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 25 4 जार 100, 100 का 0 यहाँ पे कैरी 10 आ गया। 25 4 जार 100, 100 प्लस 10, 110।
ओके। और इसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, आंसर में भी एक आना चाहिए, इसी जगह डेसिमल पॉइंट देना है, तो 110 आंसर आ गया। अभी हम 110 मल्टीप्लाई बाय 9.5 करेंगे, 9.5। अभी देखो ये जो नंबर है 110.0 मीन्स 110 ही है, तो ये डेसिमल पॉइंट और जीरो हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, डायरेक्ट फाइव की मल्टीप्लिकेशन जीरो से करेंगे, उसके बाद फाइव से फाइव की वन से फाइव की इस वन से करेंगे। ओके, फाइव जीरो जा जीरो, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव। अब यहाँ पे नाइन जीरो जा जीरो, नाइन वन जा नाइन, नाइन वन जा नाइन, इनकी हमें एडिशन करनी है, तो यहाँ पे जीरो आया, फाइव नाइन प्लस फाइव फोर्टीन, फोर्टीन का फोर यहाँ पे कैरी वन, नाइन प्लस वन टेन, तो 1045 और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, ये डेसिमल पॉइंट और जीरो हमने निगलेक्ट कर दिया है, सिर्फ यहाँ पे हमें यही डेसिमल पॉइंट ही है याद रखना है, तो 1045.0 मीन्स व्हाट, 1045। अभी देखो 1045 उसको हमें सेवन से डिवाइड कर लेना है, सेवन वन जा सेवन, टेन सेवन के डबल में टेन नहीं है तो उससे छोटा वाला नंबर लेना होगा हमें, तो सेवन वन जा सेवन ही आएगा। ओके, वन जा आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो टेन में से सेवन सब्सट्रैक्ट हो गया, थ्री रह गया, थ्री एंड फोर 34 हो गए, सेवन के डबल में 34 है क्या, नहीं है, सेवन फोर जार 28, तो यहाँ पे हम फोर जार लेंगे। ओके, 34 में से 28 सब्सट्रैक्ट हो गए तो सिक्स रह गए, सिक्स एंड फाइव 65 हो गए, सेवन के डबल में 65 नहीं है तो सेवन नाइन जार 63 लेंगे हम, यहाँ पे नाइन जार लेना होगा हमें, सेवन नाइन जार 63। ओके, 65 में से 63 सब्सट्रैक्ट हो गए तो टू रह गए, अभी सेवन के डबल में टू नहीं है तो इसके ऊपर हम जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे जीरो लिया तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट लेना होगा। ओके, सेवन के डबल में 20 नहीं है, सेवन टू जार 40 लेना होगा, वही छोटा नंबर है उसके बाद। ओके, अभी 20 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गए, सिक्स रह गए, सिक्स एंड जीरो 60 हो गए, सेवन के टेबल में 60 भी नहीं है, सेवन एट जार 56 लेना होगा, तो 60 में से 56 सब्सट्रैक्ट हो गए, फोर रह गए, फोर एंड जीरो 40 हो गए, सेवन के टेबल में 40 भी नहीं है, उसे छोटा वाला नंबर, सेवन फाइव जार 35। ओके, तो इसके आगे भी आंसर कंटिन्यू होता है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हमने थ्री डिजिट लिए, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं डिवीजन, तो ये किसके इक्वल है देखो, 149.20 यहाँ पे इज इक्वल टू 149.29, क्योंकि ये फाइव नहीं ले रहे ना हम, इसलिए ये आगे का डिजिट एक डिजिट से बढ़ जाएगा। ओके ओके, तो ये आंसर आ गया 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 110 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर फोर में आर इज इक्वल टू 70, एच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज दी गई है। हम पहले रेडियस आर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर एंड हाइट एच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 1.4। तो यहाँ पे देखो 7 वन जार 7, 7 10 जार 70। ओके, तो यहाँ पे 22 2 जार 44 मल्टीप्लाई बाय ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1.4, इन दोनों में एक जीरो है राइट कर लिया, 44 वन जार 44
सो 440 मल्टीप्लाई बाय 1.4 कर लेना है। 440 मल्टीप्लाई बाय 1.4, सो देखो 4 0 0 0, 4 4 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 4 4 16, 16 प्लस 1 17, यहाँ पे 1 0 0 0, 1 4 4, 1 4 4, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 7 4 प्लस 7 11 हो गया, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो 6160 इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी डेसिमल पॉइंट के राशि में एक डिजिट है, आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राशि में एक डिजिट आएगा, तो 616 यह आ गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई है 22/7, आर है 70 और एच वैल्यू है 1.4, तो यहाँ पे 70 प्लस 1.4, ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो देखो 7 1 जार 7, 7 10 जार 70, 22 2 जार 44 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 1.4, 71.4 आ गया, ओके 71.4। पहले हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो इन दोनों में एक जीरो है, 44 1 जा 44, 440 मल्टीप्लाई बाय 71.4, 440 मल्टीप्लाई बाय 71.4, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, ओके अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 28 का 8 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 7 8 जा 28, 28 प्लस 2 30, तो यहाँ पे 30 आ गया, सॉरी 30 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, 7 प्लस 4 11 हो गए, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1, 8 9 10, 10 and 4 14, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा आंसर में भी, तो 31,416 यह आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनल नंबर एग्जांपल में रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दी है, हाइट 14 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पे पहले हमें जो दी गई वैल्यूज है वो राइट करनी होगी, यह है रेडियस, रेडियस आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, हाइट एच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ओके 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 जा 22, 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 2,
2 4 जार 8 मल्टीप्लाई बाय 4.2, 88 मल्टीप्लाई बाय 4.2, 2 8 जार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 2 8 जार 16 प्लस 1 17, 4 8 जार 32 का 2 यहाँ पे कैरी 3 आ गया, 4 8 जार 32 प्लस 3 35, यहाँ पे 6 आ गया, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 1 6, यहाँ पे 3,696 आया है, पर इसमें हमें डेसिमल पॉइंट देना है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो आंसर में भी यहाँ पे आएगा, इसमें 1 है डेसिमल पॉइंट के रेस्ट में, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के रेस्ट में 1 आ गया, तो क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय r है 22 अपॉन 7 पाई है 22 अपॉन 7, r है 4.2 और r वैल्यू 4.2 प्लस h वैल्यू 14 है, वो पुट कर दी। ओके, पहले हमें इनकी एडिशन करनी होगी, देखो 4.2 में हमें 14 ऐड करना है, 14 प्लस 4 18 होते हैं, सो 18.2 ये आ जाएगी इन दोनों की एडिशन, तो देखो यहाँ पे 4.2 प्लस 14। ओके, तो यहाँ पे 0.2 है, 4 प्लस 4 8 हो गया, यहाँ पे 1 18.2। देखो यहाँ पे 7 और 42 ये भी मल्टीपल है, 7 1 जा 7 7 6 जा 42 आते हैं, पर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, आंसर में भी डेसिमल पॉइंट आना चाहिए ना, तो इसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक है, तो यहाँ पे भी यहाँ डेसिमल पॉइंट दिया तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आ जाएगा, आगे कोई डिजिट नहीं तो हम यहाँ पे जीरो लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 0.6 है, 22 2 जार 44 आ गया, यहाँ पे 0.6 आ गया और इन दोनों की एडिशन आ गई यहाँ पे 18.2। अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले 44 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 6 4 जार 24 24 का 4 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 6 4 जार 24 24 प्लस 2 26। अभी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो देखो ये आंसर आ गया। इसमें हमें डेसिमल पॉइंट के राइट्स में एक डिजिट चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में भी इन दोनों में भी एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 26.4। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई 26.4 और इसको हमें फिर से 18.2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पे हम कर लेंगे 26.4 मल्टीप्लाई बाय 18.2, 2 4 जार 8 2 2 2 6 जार 12 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1, 2 2 जार 4 4 प्लस 1 5, 8 4 जार 32 32 का 2 यहाँ पे कैरी 3 आ गया, 8 6 जार 48 48 प्लस 3 51 51 का 1 यहाँ पे कैरी 5 आ गया, 8 2 जार 16 16 प्लस 5 21, तो यहाँ पे 21 आ गया। अभी हम 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जार 4 1 6 जार 6 1 2 जार 2 8 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 5 एंड 5 10 हो गए, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1 6 7 8। ओके, 8 और 2 प्लस 2 4 हो गए। इसमें हमें डेसिमल पॉइंट देना है, इन दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, आंसर में भी 2 डिजिट आने चाहिए, ऐसी जगह हमें डेसिमल पॉइंट देना है, तो 480.48। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आ गया 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर is 369.6 square centimeter and
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर टू है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ चर्ड सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे देखो हाइट एंड डायमीटर दी गई है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे दी गई वैल्यूज हम राइट करेंगे, डायमीटर ऑफ द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अभी देखो डायमीटर ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम जो है उसकी 50 सेंटीमीटर डायमीटर दी गई है, और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए होती है। डायमीटर अगर 50 है तो उसकी हाफ रेडियस रहती है, ये 50 है तो इसकी रेडियस क्या रहेगी 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर इट्स रेडियस आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आया समझ में? यहाँ पे डायमीटर दी गई थी, हमें ये रेडियस चाहिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस लेंगे क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ वैल्यू होती है। ये 50 है तो उसकी हाफ 25 वही रहेगी रेडियस। इट्स हाइट, हाइट भी दी गई है एच इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम इज इक्वल टू 2πr r + h। ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 × π वैल्यू है 3.14। तो देखो यहाँ पे हमने पाई वैल्यू 3.14 क्यों ली, क्योंकि एग्जाम्पल में ही हमें पाई इज इक्वल टू 3.14 लेने को बोला है, इसलिए हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ली। अगर वैल्यू नहीं दी रहती है तो हमें 22/7 ये वैल्यू लेनी होती है, पर यहाँ पे दी गई है वही पाई वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है। ओके, उसके बाद आर वैल्यू है 25। अभी आर प्लस एच 25 + 45, हम इन दोनों की पहले ही एडिशन कर लेते हैं। उसके साथ साथ देखो 25 × 2 = 50 होते हैं, तो इसको हम एज 50 राइट कर लेते हैं। 50 × 3.14 × इन दोनों की एडिशन, 5 + 5 = 10 हो गए, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, तो यहाँ पे 70 आ गए। अभी देखो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ओके, तो उन दोनों में 2 0 है, 2 0 राइट कर लिए, 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे 35 आ जाएंगे, और उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है 3.14। अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3.14। ओके, 4 0 = 0, 4 0 = 0, 4 5 = 20, 20 का 0 यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 4 3 = 12, 12 + 2 = 14, 1 0 = 0, 1 0 = 0, 1 5 = 5, 1 3 = 3। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 = 0, 3 0 = 0, 3 5 = 15, 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 3 3 = 9, 9 + 1 = 10 हो गए। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, 4 + 5 = 9 हो गए,
5 + 1 सिक्स, 6 + 3 नाइन, 9 आ गया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। अभी इसमें हमें डेसिमल पॉइंट देना है, तो देखो क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में दो डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में दो डिजिट आने चाहिए, इसी जगह डेसिमल पॉइंट देना है, तो यहाँ पे दे देती हूँ, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में दो डिजिट आ जाएंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया है एक्चुअली 10,990। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 10,990 सेंटीमीटर स्क्वेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम इज 10,990 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 660 स्क्वेयर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। अभी देखो इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, और यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया निकालना है और रेडियस निकालनी है सिलेंडर की, तो पहले हम दी गई वैल्यूज राइट करेंगे, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स हाइट एच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अभी देखो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 π r e। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की वैल्यू हमें पता है, 2 π h वैल्यू भी पता है, हम r वैल्यू मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। ओके, तो पहले ये वैल्यू क्या दी गई है, 660 दी गई है, इज इक्वल टू 2 है, 2 × π वैल्यू यहाँ पे दी नहीं गई है, तो यहाँ पे हमें 22/7 लेनी है, 22/7 × आर वैल्यू निकालनी है, वो एज इट इज राइट कर लिया, एच वैल्यू 21 दी गई है वो राइट कर लिया। ओके, अभी देखो ये सभी न्यूमरेटर के नंबर है, ये डिनोमेटर का है, 21 और 7 ये मल्टीपल नंबर है, सो 21 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 × 7 7 × 3 = 21, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो देखो अभी क्या है, जो वैल्यूज है उनको हम नीचे लिखेंगे, 660 इज इक्वल टू 2 × 22 × r × 3। ओके, अभी r की वैल्यू निकालनी है, तो ये सभी वैल्यूज जो है उनको हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा। ओके, तो ये सभी वैल्यू r के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 660 डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 3 इज इक्वल टू आर। अभी देखो 660 एंड 22 ये दोनों भी नंबर 2 के मल्टीपल नंबर है, इन दोनों को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो ये 2 एंड 2 660 इन दोनों को डिवाइड किया तो भी चलेगा। ओके, तो मैं देखो इन दोनों को डिवाइड कर लेती हूँ, 2 × 2 2 × 2 2 × 3 = 6 2 × 3 = 6 और ये 0 एज इट इज। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 330 डिवाइडेड बाय 2 × 11 × 3 33 है, ये 11 है, ये दोनों भी क्या है, 11 के मल्टीपल नंबर है, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, 11 × 11 11 × 3 = 33 और ये 0 एज इट इज। ओके, अभी ये 3 और ये 30 नंबर है, देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, ये 30 नंबर था वो राइट कर लिया, 30 को हमें 2 × 3 से डिवाइड कर लेना है, 3 × 3 3 × 3 ये 0 एज इट इज। अभी 10 / 2 है,
इसको हम नीचे लिख लेते हैं, 10 को हमें 2 से डिवाइड कर लेना है, 2 1 2, 2 5 10, क्या वैल्यू आ गई आर की, 5 ये वैल्यू आ गई। तो देयर फोर आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अभी हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ, एरिया ऑफ द बॉक्स ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। तो आर की वैल्यू मिल गई है 5, उसका स्क्वेयर मीन्स व्हाट, वो वैल्यू हमें 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में लेनी है। पाई वैल्यू क्या है, 22/7, आर है 5, उसको हमें 2 टाइम लेना है क्योंकि आर का स्क्वेयर दिया है यहाँ पे। ओके, अभी देखो ये 7 5 का भी मल्टीपल नहीं है, 7 22 का भी मल्टीपल नहीं है। पहले हम सभी नंबर की न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद में उसको 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 5 5 25 25 मल्टीप्लाई बाय 22 ये करना होगा, बाद में उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, 22 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 2 10, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 प्लस 1 5, यहाँ पे 4 प्लस 1 5। तो 550 को हमें अभी 7 से डिवाइड कर लेना है, 550 को हमें 7 से डिवाइड कर लेना है। 7 1 7 7 के टेबल में 55 नहीं है, उससे छोटा वाला नंबर कौन सा है, 7 7 49। तो यहाँ पे हम 7 जा लेंगे, 55 में से 49 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 6 रह गए, 6 एंड 0 60 हो गए। अभी 7 के टेबल में 60 नहीं है, उससे छोटा वाला नंबर, 7 8 56। तो यहाँ पे हम 8 जा लेंगे, 60 में से 56 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 4 रह गए। अभी देखो 7 के टेबल में 4 है नहीं, तो इसके ऊपर हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 लिया तो हमें डेसिमल पॉइंट देना होता है। 7 के टेबल में 40 नहीं है, 7 5 35, तो यहाँ पे हम 5 लेंगे, 40 में से 35 सब्सट्रैक्ट हो गए, 5 रह गए। अभी 5 ही नहीं है 7 के टेबल में, तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे बार बार डेसिमल पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम आगे नंबर के आगे 0 लगाकर डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 7 के टेबल में 50 नहीं है, 7 7 49 लेंगे हम, 50 में से 49 सब्सट्रैक्ट हो गए, ये 1 रह गया, भी 1 भी नहीं है 7 के लिए, तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, 10 हो गया। ओके, तो 7 1 7 आएगा, 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए। अभी आगे डिवीजन करती गए तो बढ़ती ही जाएगी, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट तक डिवीजन कर लेनी है, आगे कंटिन्यू होती है तो वहाँ पे उसको स्टॉप कर देंगे। ओके, 78.571 ये जो नंबर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आंसर, 78.57 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो डिजिट कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे 3rd डिजिट अगर 2nd नंबर से डिजिट से छोटा है तो वो डायरेक्टली निगलेक्ट हो जाएगा, अगर ये 3rd डिजिट 2nd डिजिट से बड़ा है तो 2nd ये डिजिट तो निगलेक्ट होगा, पर ये 2nd वाला डिजिट 1 डिजिट से बढ़ जाएगा, यहाँ पे 7 की जगह 8 हो जाएगा। आया समझ में कैसे कन्वर्जन होता है? ओके, का यूनिट है स्क्वेयर सेंटीमीटर, द रेडियस, पहले हमने रेडियस निकाली, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर is 78.57 square centimeter. Example number 4 है, find the area of sheet required to make a cylindrical container. हमें cylindrical container make करने के लिए कितना area का sheet लगेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, विच इज़ ओपन एट वन साइड एंड हुज डायमीटर, वो वन साइड से ओपन है, उसकी डायमीटर है 28 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर टू मेक अ लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। उसी कंटेनर के लिए अगर हमें 2 सेंटीमीटर हाइट का लीड
मैक करना है तो उसके लिए कितना अप्रोक्सीमेट एरिया का शीट लगेगा वो भी निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दी गई सभी वैल्यूज राइट करेंगे। डायमीटर दी गई है पहले, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी आएगी? ऑफ मीन्स 14 सेंटीमीटर। रेडियस, इट्स रेडियस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। उसकी हाइट दी गई है, इट्स हाइट एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कंटेनर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर। सिलेंडर अगर हमें बनाना है तो उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा उसमें, और उसका बेस भी आएगा, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कंटेनर, इन दोनों इतना एरिया आएगा, इन दोनों की हमें एडिशन करनी होगी। हम पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर क्या वैल्यू है वो राइट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 2πrh है, ओके। और उसमें हमें एरिया ऑफ बेस ऑफ कंटेनर ये ऐड कर लेना है, πr², ये है एरिया ऑफ कंटेनर, ओके। अभी देखो इन दोनों में पाई आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पाई आर है, इन दोनों में पाई आर कॉमन है, हम पाई आर को कॉमन निकाल लेते हैं। तो पाई आर कॉमन निकाल लिया, इसमें से पाई आर निकाल लिया तो 2h रह गया, तो यहाँ पे हम 2h लिखेंगे, प्लस यहाँ पे पाई आर है, एक आर रह गया क्योंकि यहाँ पे r² दिया है ना, तो एक आर रह गया, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओके। अभी देखो पाई की वैल्यू है 22/7, आर वैल्यू है 14, 2 × h वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी दी गई है 20 × 14। हमने ये सभी वैल्यूज राइट कर ली। अभी देखो 7 × 7, 7 × 2 = 14, ओके। अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इसमें यहाँ पे प्लस साइन है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी पहले, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसमें 14 ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, देखो 7 × 7, 7 × 2 = 14 लिया, तो यहाँ पे 2 × 22 है, 22 × 2 = 44 आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 44 ले रहे हैं, ओके। मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखो, 2 × 0 = 0, 2 × 2 = 4, 40 आ गया, 40 में हमें 14 ऐड कर लेने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली 44 × 54 ये राइट कर लेते हैं। फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय 54, ओके। अभी देखो इन दोनों नंबर की हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 × 4 = 16, 16 का 6 यहाँ पे, 11 × 4 = 16, 16 + 1 = 17, ओके। 5 × 4 = 20, 20 का 0 यहाँ पे, 2 आ गया, 5 × 4 = 20, 20 + 2 = 22, एडिशन 6 यहाँ पे, 7, 2 + 1 = 3 यहाँ पे, 2, 2376 ये आ गई इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन। स्क्वेयर सेंटीमीटर, लेट द हाइट
ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल लीड बी H1। सिलेंडर का जो लीड है उसकी हाइट H1 हम कंसिडर कर लेते हैं, तो वो हमें कितनी लेनी है, H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेनी है। तो देखो उसके लिए कितनी शीट लगेगी ये भी हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 πRh प्लस πR2। उसके लिए भी हमें यही फॉर्मूला लेना है। ओके, सिर्फ हमें हाइट जो है वो हमें 2 सेंटीमीटर लेनी है। यहाँ पे भी हम देखो पाए और आर कॉमन निकल के जो वैल्यूज रहेगी उनको ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। इज इक्वल टू पाए आर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 2H प्लस आर रहेगा उनको राइट कर लिया। अभी पाए आर वैल्यू कौन सी है, पाए वैल्यू है हमारी 22/7, आर वैल्यू हमारी है 14। इन ब्रैकेट में अभी 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें 2 लेनी है, आर रेडियस है 14। अभी देखो 7 1 7, 7 2 14 और 22 2 44 आ गया, और ब्रैकेट 2 2 4, 4 प्लस 14, 14 प्लस 4 18 हो गए। तो यहाँ पे हम 44 मल्टीप्लाई बाय 18 लेंगे डायरेक्टली। अभी देखो इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 8 4 32, 32 का 2 यहाँ पे कैरी 3 आ गया, 8 4 32, 32 प्लस 3 35 हो गए। अभी हम 1 से मल्टीप्लाई, 1 4 4, 1 4 4, यहाँ पे 2 इनकी एडिशन हो जाएगी, 5 प्लस 4 9 हो गए, 3 प्लस 4 7 हो गए, तो 792 ये आ गई इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन का आंसर। मीन्स व्हाट, लीड बनाने के लिए हमें कितनी शीट रिक्वायर्ड है, 792 स्क्वायर सेंटीमीटर, 792 स्क्वायर सेंटीमीटर इतनी शीट लीड बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम फाइनली दो ही दोनों आंसर राइट कर लेते हैं जो हमें दोनों निकालने को बोला था। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कंटेनर इज 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर टू मेक अ लीड इज 792 स्क्वेअर सेंटीमीटर। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ इयत्ता 8वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.